इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जिसकी शेयर प्राइस अभी आपको ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रही है, यानी कि 69 रुपीस का इस शेयर्स का ऑल टाइम हाई है और शेयर अभी आपको 67 रुपीस पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। आने वाली 15 अप्रैल 2022 टाटा ग्रुप के स्पेनिश स्टॉक्स के लिए बहुत खास दिन होने वाला है, क्योंकि कंपनी वहां पर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ में अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देने जा रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टाटा ग्रुप की इस स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जहां पर हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं आज इस शेयर के ऊपर। हाँ, पिछले एक महीने में इस कंपनी ने 20% से भी ज्यादा के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए, वहीं पिछले एक साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 190 प्लस के रिटर्न्स यहां पर कंपनी बनाकर दे चुकी है। लास्ट 6 महीने के अंदर हमें इस शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 66% के रिटर्न्स यहां पर कंपनी बनाकर दे चुकी है। मैक्सिमम ईयर्स की भी बात करें तो 343% के रिटर्न्स कंपनी ने यहां पर बनाकर दिए हैं और आप देख सकते हैं शेयर्स अब अपने नए ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। और यहां पर जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशंस निकल कर आ रही है आफ्टर कोविड, ये शेयर्स बहुत जल्दी आपको 100 प्लस भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करें कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, तो सिर्फ 1198 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक बहुत ही स्मॉल कैप ये कंपनी है। पिछले एक साल में ऑलरेडी मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी बनाकर दे चुकी है। और अगर आप इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि एक बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, शेयर्स ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है और अब शेयर्स हमें इसके नए रेजिस्टेंस 75 देन 100 रुपीज़ के अगेंस्ट जाता हुआ देखने को मिल रहा है। टाटा ग्रुप की इस स्मॉल कैप कंपनी की एक और खासियत ये है कि यहाँ पर अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को डिस्कस करें तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास में 67% का स्टेक है और फॉरेन इन्वेस्टर भी इस कंपनी के अंदर अब हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का लगभग 10% का स्टेक हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिलता है। वहीं अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 22% का स्टेक इस कंपनी का रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में देखने को मिलता है, यानी कि प्रमोटर्स के पास में मेजोरिटी स्टेक है यहां पर, जो कि एक काफी पॉजिटिव मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिलता है। टाटा ग्रुप की जिस स्मॉल कैप कंपनी के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं, उस कंपनी का नाम है ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड। पिछले कोविड के टाइम्स में, यानी कि पिछले 2 साल कोविड के पीरियड में होटल बिजनेस को काफी ज्यादा लॉस बियर करना पड़ा है और उसका एक सीधा इंपैक्ट हमें ओरिएंट होटल्स लिमिटेड के ऊपर भी देखने को मिला है। कंपनी काफ़ी बड़े लॉस में भी आई थी, लेकिन अब यहाँ पर कंपनी का लॉस काफ़ी हद तक रिकवर भी हो चुका है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर कंपनी बनाकर दे सकती है। इसके पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले, अभी इंडिया में कंपनी 7 होटल्स को ऑपरेट कर रही है, जिसमें 825 रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। 33% टोटल ऑक्यूपेसी यहाँ पर रेट है और बात करें तो 42 स्वीट्स है इसमें से। अगर हम यहाँ पर रेट की बात करें तो अगर डेली रेट्स की बात करें तो 5160 रुपीज़ पर रेट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और अगर कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो 12,322 रुपीज़ इन लैक्स का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू भी डिक्लेयर किया है। सारी चीज़ें अच्छी है। कंपनी की प्रोफाइल की अगर बात करें तो कंपनी के जिन 7 लोकेशंस पे अपने होटल्स यहाँ पर एस्टेब्लिश है इंडिया के अंदर, उन होटल्स के एड्रेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर मेनली आपको 2 होटल्स चेन्नई के अंदर देखने को मिलेगी, कोचीन के अंदर देखने को मिलेगी, कोयम्बटूर के अंदर, मदुराई के अंदर और मैंगलोर के अंदर आपको यहाँ पर टाटा ग्रुप की होटल्स देखने को मिलेगी। अगर हम इनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले रेवेन्यू की तरफ नज़र मारेंगे तो पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं, जहाँ पर पिछले 4 साल में, यानी कि लास्ट 4 ईयर्स में कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ, एबिटा मार्जिन भी नेगेटिव है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नेगेटिव है। साथ ही साथ अगर नेट डेब्ट इक्विटी की बात करें तो वो भी थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इन सबके पीछे का जो मेन रीज़न है वो कोविड ही है। अगर हम किसी और होटल बिजनेस कंपनी की बात करें, लाइक ITC की बात करें, ITC भी हमें होटल बिजनेस में इन्वॉल्व देखने को मिलती है, तो ITC के भी होटल बिजनेस के अंदर इतना ही बड़ा लॉस हमें देखने को मिला है। अगर हम फाइनेंशियल हाइलाइट्स की तरफ भी नज़र मारें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 6 साल के रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं,
2015-16 से लेकर 2020-21 तक की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो 15-16 में था वही मेंटेन हमें 19-20 तक होते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन सडनली 2020-21 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 3 गुना तेजी से यहाँ पर डिक्लाइन होता है। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था COVID-19 के कारण, जो इंडिया के अंदर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा था उसका एक सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट हमें होटल बिजनेस के ऊपर ही देखने को मिला था, जिस कारण से कंपनी का EBITDA परसेंटेज सब यहां पर माइनस था। कंपनी नेट प्रॉफिट भी यहां पर जनरेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब यहां पर एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ही यानी कि 2022-23 के अंदर कुछ बेटर परफॉर्मेंस यहां पर बनाकर दे सकती है, और उसी का एक क्लियरली इंडिकेशंस हमें इनके टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो रूम रेंटल से कंपनी को 45% रेवेन्यू जनरेट होता है, और वहीं अगर फूड एंड रेस्टोरेंट और बंकेट की बात करें तो वहां से कंपनी को 45% का रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी का रिमेनिंग रेवेन्यू कंपनी को अदर सोर्सेज से जनरेट होता है। Oriental Hotels Limited is primarily engaged in the business of owning, operating and managing hotel places and resorts. तो यहाँ पर होटल्स के साथ में कंपनी कुछ बड़े प्लेसेस और रिसोर्ट्स को भी यहाँ पर मेंटेन करती है। अब बात करें कि कंपनी की तरफ से क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकल कर आई है, तो 5 अप्रैल 2022 के दिन कंपनी ने अपने बोर्ड मीटिंग्स को कंडक्ट करने का यहां पर नोटिस डिक्लेयर कर दिया है। आप देख सकते हैं 15 अप्रैल 2022 के दिन हमें ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग देखने को मिलने वाली है, जहां पर कंपनी अपने स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर करने वाली है। साथ ही साथ कंपनी ने यहां पर डिविडेंड को लेकर भी अनाउंसमेंट डिक्लेयर करी है। जी हां दोस्तों, यहां पर जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रिकमेंड भी करने वाले हैं डिविडेंड को लेकर, और यहां पर हमें अप्रूवल देखने को मिल सकती है। तो यदि आपने ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या टाटा ग्रुप की इस स्मॉल कैप कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहां पर मन बना सकते हैं, लेकिन कंपनी थोड़ी सी हमें रिस्की देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर कंपनी के ऊपर 293 करोड़ का डेप्ट है और कंपनी का डेप्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है, जिस कारण से कंपनी यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के कारण नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी कि Q4 के रिजल्ट में अगर कंपनी अपने डेब्ट को रिड्यूस कर पाती है तो डेफिनेटली उससे कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे और उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें ओरिएंटेड होटल्स लिमिटेड के नेट प्रॉफिट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अगर आप पोजिशंस बनाना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ 15 अप्रैल 2022 की तारीख को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वहाँ पर हमें कुछ बड़े मूवमेंट इस शेयर्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।